फ्रेंड्स, तो आज मैं थोड़ा आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि एक टॉपिक जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन। ओके गाइज, तो मेरा प्लान है कि कल से हम क्या करने वाले हैं कि आपको एक टॉपिक 11th का और एक टॉपिक 12th का, ऐसा मेरा प्लान है। ओके गाइज, तो मैं आपको क्या करूंगा, कल से एक टॉपिक आपको हम 11th का शुरू करेंगे और एक टॉपिक हम 12th का शुरू करेंगे। ओके गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी जो आने वाला जेई है वो ऐसा माना जा रहा है कि 11th का ज्यादा फोकस होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग का 11th का कुछ टॉपिक लॉकडाउन के पहले हम लोग किए थे कवर। तो कल से मैं भी सोचा हूं कि जो 11th के टॉपिक रिमेनिंग बचे हुए हैं उसको हम आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। ओके गाइस, तो आप लोग क्या करिएगा कि प्लीज आप लोग एक अच्छे तरह से 11th का भी नोटबुक आप क्या कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। ओके गाइस, तो उससे क्या होगा कि 11th में मेन इम्पोर्टेंट क्या है, वो है आपका अलजेब्रा और दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने कुछ बैच को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ बैच को अलजेब्रा के कुछ कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, तो देखेंगे कि आगे हम कौन सा टॉपिक ऐसा स्टार्ट करें जो कि सभी बच्चों को कॉमन रहे और वो सभी बच्चे जो है अच्छे तरह से उसको सीख सकें। और अभी हम वो टॉपिक 11th का कवर करेंगे जिसका मोस्ट प्रोबेबल है कि वहां से सवाल आता ही आता है। तो अभी हमारा ये टारगेट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल जेई मेंस में भी आता है, जेई एडवांस में भी आता है। पिछले साल 2019 में जेई एडवांस में 3 to 4 क्वेश्चन आए थे कॉम्प्लेक्स नंबर से, और मेंस में एक सवाल फिक्स है। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा होता है ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअली में ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत कुछ पढ़ना है। तो उसी तरह से फिर हम 12th का टॉपिक जो है कुछ स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम सिर्फ 12th का आपको वीडियो दे रहे थे, आज के बाद कल से मैं आपको क्या करूंगा कि आपको एक वीडियो लेक्चर 11th का, एक वीडियो लेक्चर 12th का। और आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों का सेपरेट सेपरेट नोटबुक बना के क्या कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। ओके गाइस, और दोनों का पर डे आपको क्या जाएगा, होमवर्क जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज घर पे सेफ रहिए, और जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि 15 जून के आसपास, ठीक है ना, या उसके आगे। अभी शिक्षा मंत्री का ऐसा बोलना है कि 15 जून के बाद क्लास मोस्ट प्रोबेबल है कि स्कूल कॉलेज वगैरह खुलने की चांस है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुल जाएगा तो क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे तरह से स्टडी करते रहिए। ओके गाइज, गुड।